पापा चला बाबा जी के मंदिर चाल भाया पापा चला बाबा जी के मंदिर कोई लूड़े लूड़े हो आशाई बाबा गंगाराम सेवा समिति कोलकाता द्वारा बालाजी बैंक्वेट बाकुयाटी में बाबा गंगाराम महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में अमृत वाणी पाठ भजन अमृत वर्षा का आयोजन किया गया। उसके साथ ही साथ जरूरतमंदों में विशेषकर विकलांगों में व्हील चेयर बैसाखी एवं स्टिक और धूप काठी की भी वितरण की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए आर अग्रवाल ज्वेलर्स ग्रुप के कर्णधार श्री रतनलाल अग्रवाल व अन्य अतिथि। तो आइए चलते हैं बालाजी बैंक्वेट में और सुनते हैं अमृत वाणी पाठ और भजन अमृत और साथ ही साथ संस्था के आयोजक का इस बारे में क्या कहना है। जरा भक्त शिरोमणि और बाप आयत के लिए दोनों हाथ उठाना और जरा मीठी मीठी तालियां बजाकर एक साथ कहना शिव शक्ति का संगम जहां पर ऐसा पावन मंदिर धरा पर शिव शक्ति का संगम जहां पर ऐसा पावन मंदिर धरा पर वो ऐसा पावन मंदिर धरा पर बजते पूजवाया भक्त को जहां भक्त बजते पूजवाया भक्त को ऐसा दान के एकदम सीधे हाथ उठाओ क्योंकि इस दरबार में अमृत ही बरसता है हमेशा। एकदम सीधे हाथ उठा दे और ये पंक्ति जरूर सारे मिल कर लें। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और 50वें साल आप लोगों का आज कार्यक्रम चल रहा है बहुत सारा और लोगों में व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, स्टिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या बोलेंगे सब सर को? बाबा गंगाराम सेवा समिति कलकत्ता के अंदर में बाबा गंगाराम का प्रचार तो हो रहा ही है, इसके अलावा सेवा के कार्य भी बहुत हो रहे हैं। जैसे आज व्हील चेयर का प्रोग्राम है तो जो आदमी चल नहीं सकता फिर नहीं सकता व्हील चेयर में चलेगा बहुत ही सुख पाएगा और इनका बहुत ही अच्छा कार्य है कि बाबा गंगाराम जी के जन्मोत्सव के ऊपर में जन्मोत्सव भी मनेगा और लोगों का भला भी होगा। बहुत बहुत साधुवाद, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें और समाज का भला करते रहें। ये आज समिति कार्य कर रहा है, ये जो भी ये मेरा वक्तव्य देख रहा है जो चैनल समझ रहा है उसको यही बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंगाराम सेवा समिति से जुड़े और सेवा के कार्य करें। ये बाबा गंगाराम सेवा समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कलकत्ता वासी सेवा के कार्य करें। धन्यवाद। आपका नाम? रतनलाल अग्रवाल, आर अग्रवाल ज्वेलर्स। क्या आप हो? मैं बाबा गंगाराम सेवा समिति के जुड़ा हुआ हूँ और एक जो गंगा जल तैरा है 1975 से लेकर आज तक 50 साल जब संपूर्ण हो गए, 50 साल का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। आज बाबा का जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। अच्छा, तो साल भर और क्या क्या कार्यक्रम होते रहेगा? अच्छा, आपका नाम? आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, आज के कार्यक्रम
आज बाबा गंगाराम जी का गंगा दशहरा उत्सव हम मना रहे हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष जो अगले साल 2025 में 16-17 अप्रैल को श्री पंचदेव मंदिर झुंझुनू राजस्थान में संपन्न होगा और सारे भक्त मिलकर आज बाबा जी का ये गंगा दशहरा यहाँ मनाया जा रहा है। आज और क्या क्या कार्यक्रम आप लोग आयोजन पर सुबह 11 बजे से अमृतवाणी का पाठ हुआ है और अब 4 बजे से भजनों की अमृत वर्षा होगी तो रात में 9 बजे तक चलेगी। और व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हैंडीकैप जितने भी हैं उन सबको 5 बजे से व्हील चेयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। व्हील चेयर है, बैसाखी है और जो व्यवसाय के लिए हम लोग अगरबत्ती का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके कुछ लोग। अच्छा, उसके लिए अगरबत्ती भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ब्लाइंड स्टिक भी देंगे, ट्राई साइकिल भी देंगे। कितने लोगों में बांटेंगे ये सब मिला के? कुल मिला के 30-40 लोगों को। अच्छा, वितरित करेंगे। अच्छा, आप लोगों का सब समाज जो है और क्या क्या साल भर सामाजिक कार्य करते रहते हैं? हम लोग सामाजिक कार्य तो हम लोग साल भर करते ही रहते हैं। हम लोग का 3 मेन उत्सव होता है बाबा का, उसके आशीर्वाद दिवस होता है हम लोग का सबसे पहला उत्सव, उसके बाद गंगा दशहरा ये उत्सव होता है मंदिर का, उन्होंने जो पंचदेव मंदिर है उसकी स्थापना का दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये उत्सव हो रहा था सावन में तो बाबा का जन्मोत्सव होता है, उसके बाद एक आता है माता गायत्री का प्रयाण दिवस आता है। ये 4 बड़े उत्सव हम लोग मनाते हैं साल में और इसी बीच में साल भर हम लोग सेवा कार्य भी करते रहते हैं जिसमें ये साल विशेष रूप से ये महत्व वाला है क्योंकि इस साल हम लोग की पंचदेव मंदिर का स्थापना का 50वां वर्ष चालू शुभारंभ हो गया इसका, और इसका ये साल भर हम लोग कुछ बड़े रूप से माने पूरे देश में इसको विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग अनुष्ठान आयोजित करेंगे। आपका नाम पंकज सुरेश।